हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है वो बिज़नेस चल रहा था, तो मैंने आपको जो व्यवसाय है व्यवसाय के बारे में बता दिया है, व्यवसाय की विशेषताएं, व्यवसाय के कार्य, जो व्यवसाय है उसके महत्व मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज हम बात करते हैं पेशा के बारे में, यानी प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, जैसा लिखा हुआ है, पेशे से आशय उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जिनमें व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण तथा योग्यता के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा एक निश्चित प्रतिफल के बदले करता है। अब आप पहले समझते हैं बिजनेस के बारे में, जो मैंने आपको बताया था, पहले बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस क्या होता है, उसके बाद हम प्रोफेशन के बारे में आएंगे। तो बिजनेस मैंने आपको बताया था, वह आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक क्रिया होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है और उसमें कैपिटल लगाने की भी आवश्यकता होती है। तो वो मैंने आपको क्या बताया था, बिजनेस। लेकिन अब प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है, फिर प्रोफेशन क्या है, बिजनेस अगर ये है तो बिजनेस तो क्योंकि पेशे से भी धनी कमाया जाता है, उससे भी प्रॉफिट कमाया जाता है, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें कैपिटल लगाने की आवश्यकता होती है और इसमें कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो पैसा कमाया जाता है वो एक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा कमाया जाता है, अनुभव के द्वारा कमाया जाता है, प्रशिक्षण के द्वारा कमाया जाता है, योग्यता के आधार पर कमाया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत सेवा करना इसका एक उद्देश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, आपकी बीमारी का इलाज करेगा और उससे आपकी आपका एक सेवा उद्देश्य है, आपको ठीक करना उसका एक उद्देश्य है, तो वो क्या करेगा, आपसे वो अपनी फीस लेगा। तो कमाया तो उसने भी धन, उसने भी लाभ, लेकिन जो डॉक्टर है उसको एक ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उसे एक विशिष्ट ज्ञान होता है, उसके आधार पर वो पैसा कमाता है। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। डॉक्टर अपने अनुभव एवं योग्यता द्वारा रोगी का इलाज करता है, तो वो क्या है, प्रोफेशन। अध्यापक अपने ज्ञान एवं योग्यता द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, वो क्या है, प्रोफेशन। वकील, वकील क्या है, जो अपने क्लाइंट हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, उनकी हेल्प करता है, तो वो भी क्या है, पेशा। तो ये सब की किसके एग्जाम्पल हैं, पेशे के। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, डॉक्टर है, अध्यापक है, वकील है, इंजीनियर हैं, ये सब क्या है, किसके अंदर आते हैं, प्रोफेशन। ये एक विशिष्ट ज्ञान से ही धन कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, तो ये इसे बोलते हैं हम प्रोफेशन। तो प्रोफेशन और जो बिजनेस है उसके बारे में आप डिफरेंस को भी समझ गए होंगे, क्योंकि जो बिजनेस है उसमें कैपिटल की आवश्यकता है पड़ती है। कैपिटल मैंने बताया था, एक व्यक्ति या किसी फर्म के स्वामी द्वारा लगाया धन को ही हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें धन की आवश्यकता या धन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, इन्होंने एक वेबस्टर जी हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। जो पेशा है वह व्यवसाय है, क्योंकि है तो ये भी व्यवसाय, क्योंकि इससे भी पैसा कमाया जाता है। तो व्यवसाय की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, दो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी सेवा दी जा रही है, इसमें अपने ज्ञान के द्वारा सेवा दी जा रही है, तो वो क्या है, वो भी धन कमाने के उद्देश्य से, ये भी व्यवसाय है। आर्थिक क्रिया बताया था मैंने, आर्थिक क्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो वेबस्टर ने भी यही बताया है, पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। जैसे डॉक्टर है, वो क्या करता है, परामर्श, मार्गदर्शन करता है, किसी बीमारी के बारे में उसका बताता है और उसका इलाज करता है, तो क्या है, डॉक्टर प्रोफेशन। उसके बाद अध्यापक है, अध्यापक क्या, अपने ज्ञान के बारे में बताता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और उनके बारे में किसी भी टॉपिक के बारे में समझाता है, उनमें जो बच्चों को डाउट आ रहे हैं उनको सॉल्व करता है, तो वो भी क्या है, जो पैसा वो कमा रहा है, वो क्या किससे कमा रहा है, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपनी योग्यता के आधार पर वो पैसा कमा रहा है, तो वो क्या है, एक पैसा है। तो
उन जो वेबस्टर हैं उन्होंने भी यही बताया कि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों निर्देशन मार्गदर्शन या परामर्श देता है उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। डॉक्टर विलियम आर स्प्रिगल के अनुसार जो स्प्रिगल हैं उन्होंने बताया है पेशेवर वह व्यक्ति है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी सेवाओं व ज्ञान का विकल्प व्यक्तिगत आधार पर करता है। यानी जो पेशेवर व्यक्ति है जो केवल व्यक्तियों के व्यवहार से करता है और अपनी सेवाओं और ज्ञान का विकल्प व्यक्तिगत आधार पर करता है उसे ही हम पेशा बोलते हैं। तो ये वेबस्टर और जो विलियम आर स्प्रिगल हैं उन दोनों ने इसके बारे में बताया है। तो मैं आज आपको कुछ जो पेशे हैं जो प्रोफेशन है उसकी कुछ विशेषताएँ बताता हूँ। विशेषताएँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज हम बात करते हैं व्यवसाय तथा पेशे में समानता है। जो व्यवसाय है और जो पेशा है उसमें क्या क्या समानता होते हैं उसके बारे में आज मैं समझाऊँगा। व्यवसाय तथा पेशे में निम्नलिखित समानताएँ होती हैं। पहली समानता लिखी हुई है व्यवसाय तथा पेशा दोनों में जोखिम पाया जाता है, क्योंकि जो व्यवसाय है उसमें भी जोखिम पाया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको जोखिम के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया जाता है व्यवसाय में जोखिम किस प्रकार से हो सकता है। कोई प्राकृतिक आपदाएँ आ जाए उससे जोखिम हो सकता है, या किसी व्यक्ति के जो कर्मचारी उसमें कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा कोई जोखिम हो सकता है। बहुत सारे मैंने आपको रीज़न जो कारण है उसके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो व्यवसाय तथा पेशा दोनों में जोखिम पाया जाता है, दोनों में ही जोखिम पाया जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय तथा पेशा दोनों के लिए अनुभव योग्यता प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। यानी व्यवसाय भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अनुभव होगा, जिसके पास योग्यता होगी या प्रशिक्षित होगा, क्योंकि व्यवसाय के बारे में और पेशा प्रोफेशन वही व्यक्ति कह सकता है जिसके पास अनुभव है, जिसकी योग्यता है, जिसको प्रशिक्षित है, तभी कोई व्यवसाय और पेशा कहला सकता है। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति पेशा या प्रोफेशन नहीं कहला सकता है, क्योंकि अनपढ़ आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, जो अनपढ़ आदमी है वो सीए नहीं बन सकता। तो ये सब क्या है, व्यवसाय तथा पेशा दोनों के लिए अनुभव योग्यता और प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। क्लियर है। नेक्स्ट है व्यवसाय तथा पेशा दोनों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि व्यवसाय जो है, व्यवसाय मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या होती है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाए उसे ही हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और जो पेशा है, पेशा डॉक्टर है, डॉक्टर कोई फ्री में इलाज तो किसी का नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे भी पैसा कमाना है, उसकी भी घर फैमिली है, उसको भी पैसा चाहिए। तो वो भी क्या, यानी दोनों जो हैं उनका जो उद्देश्य है सेम होता है, लाभ कमाना, लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट है व्यवसाय तथा पेशा दोनों में सेवा भावना होती है। हाँ, ये बात सही है, व्यवसाय तथा पेशा दोनों में सेवा भावना होती है। अगर कोई डॉक्टर के पास इलाज कराने आया है तो सेवा भावना, अपनी सेवा देगा उसे और उसका इलाज करेगा। वकील के पास अगर कोई क्लाइंट जा रहा है तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए वो उपाय उसके बारे में बताएगा। इंजीनियर है, कोई घर बनाना जा रहा है तो उसका मैप बना के तैयार करेगा और उसकी जो प्लानिंग है उसको बनाएगा। यानी सेवा उद्देश्य यानी सेवा भावना होती है, चाहे व्यवसाय हो चाहे पेशा हो। व्यवसाय तथा पेशा दोनों में सेवाओं के बदले पारिश्रमिक प्राप्त होता है। यानी जब एक बात मैंने आपको अभी डॉक्टर का एग्जांपल दिया, अगर आप किसी को सेवा दे रहे हो तो उसके बदले जो सामने वाला जो है वो उसको क्या देगा, पैसे देगा, धन देगा, तो वो क्या है, पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ऐसे ही व्यवसाय है, आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो और उसका आप सेलिंग करते हो यानी बेच रहे हो तो उसके बदले आपको क्या आएगा, धन आएगा। तो इस पारिश्रमिक उसके बदले प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय तथा पेशा दोनों में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति व्यवसाय और पेशा दोनों में ही की जाती है। नेक्स्ट है व्यवसाय तथा पेशा दोनों में विभिन्न सिद्धांतों तथा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी जो व्यवसाय है और जो पेशा है यानी बिजनेस और प्रोफेशन, दोनों में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के, बिना सिद्धांत के ना ही तो बिजनेस हो सकता है, ना ही कोई प्रोफेशन कर सकता है, प्रोफेशन बन सकता है। ना ही डॉक्टर, बिना ज्ञान के ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना सीए बन सकता है, ना वकील बन सकता है। उसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान होता है, अनुभव होता है, योग्यता होती है और प्रशिक्षित होना उसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्लियर है।
तो मैंने आज आपको प्रोफेशन के बारे में बताया है और जो व्यवसाय तथा पेशे में जो समानता है उसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। विशेषताएं मुझे करानी थी लेकिन इस वीडियो में मैं विशेषता नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मैं पेशे की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।